यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढ़वैराग्यमाश्रित्यं वीततृष्णः सुखी भव। संत कह रहे हैं यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै। जहां तक तृष्णा है वहां तक संसार है, संसार का बंधन है। कोई मुक्त होना चाहता हो तो क्या करे? प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम, केवल वैराग्य नहीं, प्रौढ़ वैराग्य, दृढ़ वैराग्य। थोड़ी देर का वैराग्य तो हम सबके जीवन में भी आता जाता रहता है, थोड़ी देर का वैराग्य सबके जीवन में आता है जाता है। किसी के जीवन में थोड़ी देर टिकता है, किसी के जीवन में बहुत देर, पर आता जाता रहता है। और ध्रुवदास जी कह रहे आवत जात न जानिए जैसे छा और धूप। मन के अनेक अनेक अन्य विचारों की तरह, बुद्धि की अनेक अनेक अन्य वृत्तियों की तरह ये जीवन में आने वाला वैराग्य भी बस ऐसा ही है, कभी आया कभी गया, कभी कम कभी अधिक, कभी रहा कभी नहीं रहा। पर कह रहे यदि यदि सुखी होना चाहते हो तो कह रहे प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम, दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे बोले भजनी ऐसो चाहिए, भजन करने वाला कैसा हो? बोले शूरवीर की भांति, एक बार भजन के पथ पर पांव धर दिया फिर यहां वहां न देखे। फिर तो सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए। अपने भजन भाव में दृढ़ रहे, औरंसो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम वीत तृष्णः सुखी भगा। मतलब इस तृष्णा से मुक्त होकर सुखी हो जाए। अब प्रश्न खड़ा होता है भाई, तृष्णा से मुक्त क्या अपने सामर्थ्य से हुआ जा सकता है? अब इसमें अनेक अनेक मत हैं, अनेक अनेक मत हैं, अनेक अनेक विचार हैं। पर हमें क्या विचार करना है, हमारा मार्ग कौन सा है? जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा सा। मार्ग तो अनेक है भाई, हमको उस मार्ग पर जाना है जिस मार्ग पर संत चलकर गए हैं। भगवान की भी यही आज्ञा, महाजनो येन गतः स पंथाः। और संत क्या कहते हैं? श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं तृष्णा के विषय में एक बड़ी सुंदर पंक्ति, हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, कहते कृष्ण शरण गए तृष्णा जई है। बोली जो तृष्णा है, जो वासना है, संसार की वासना, कृष्ण की शरण में जाने पर ही संसार की तृष्णा समाप्त होती है। कृष्ण शरण गए तृष्णा जयी है। वहां संत कह रहे कि प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम वीत तृष्णा सुखी भव। इस तृष्णा से रहित होकर सुखी हो जाओ। माने ये बता दिया कि भाई कोई सुखी होना चाहे तो तृष्णा से रहित हो जाए। इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने ये तो नहीं कहा कि वीत तृष्णा सुखी भव। महाप्रभु ने कहा भाई सुख चाहते हो, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु से, क्योंकि कृष्ण की शरण में जाने पर ही तृष्णा जाती है। यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने कही, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकी। लोक परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा हो, कोई संसार से दुखी हो गया हो, त्रस्त हो गया हो, साधक हो, सिद्ध हो, भोगी हो, योगी हो, कोई भी हो, सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई कर्तव्य यही है, प्रेम से भगवान के नामों का कीर्तन करे, यही सार बात है। सार वस्तु यही है, सार सिद्धांत यही है, सत्य सिद्धांत यही है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ ठीक बात है, सब संत कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम की महिमा अधिक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर युग में ही नाम की महिमा है भाई। जो भी भव से पार हुआ है, किसी भी युग में जो भी भव से पार हुआ है, जो भी संसार से मुक्त हुआ है, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, उसका ये भव रूपी क्लेश बिना भजन के दूर नहीं हुआ है भाई, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। अब देखो सार की बात कितनी सी है, इतनी सी।
महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न पूछा था ना, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, जो मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला, उन्होंने कहा जो मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। अब विचार करो मरने वाला कौन है, क्या केवल परीक्षित मरने वाले? नहीं भाई, सभी मरने वाले हैं, सभी म्रियमाण हैं। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल ब्याल को खायो। स्वामी जी महाराज के लिए काल फिरत सर सांधे, सभी तो मरने वाले हैं, सबका कर्तव्य यही है। तीव्रेण भक्ति योगे भजेत पुरुषं परम। कभी आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि संपत्ति कोई कमा ले, संपत्ति कमाने के बाद फिर दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा विचार किस बात का होता है, संपत्ति बढ़े कैसे, पहले तो संपत्ति कमाए कैसे, फिर जो कमाया है उसको बढ़ाए कैसे। तो हमारा चिंतन हमारा विचार यही हो, पहले तो हमारा भजन बने कैसे, फिर भजन बढ़े कैसे। पर इसका भी यदि उत्तर हम ढूंढने निकले, संत तो यही उत्तर देते हैं, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहा। पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यहां एक बात कहता हूं कि यहां संतों ने कहा, ध्रुवदास जी कह रहे हैं साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय, पर इसमें भी इसमें दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने योग्य जो साधन है वो तो सत्संग है। श्री महाप्रभु जी ने यही कहा, साधु संगति करी अनुदिन राती, रुदास जी ने कहा रसिकन संग फिर है दिन राती। सेवक जी महाराज ने तो बहुत कहा, कह रहे तिनकी दई जो जूठन खात रसिकन सो प्रीतम कहे। और वहां ध्रुवदास जी ने कहा किसी भी साधन में थोड़ा प्रमाद हो जाए, पहले तो नहीं होना चाहिए, हो जाए कोई बात नहीं, पर सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए। बोले या में आलस्य न करे, इसमें आलस न करे। और कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दो बातें हमारे हाथ आई थी कल की चर्चा से। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई भगवान की भक्ति, इसमें एक बात तो यह कि भाई भक्ति भगवान की ही हो, किसी की भी भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति केवल भगवान की ही हो सकती है। पूजा अर्चना हो सकती है किसी की, लेना देना हो सकता है किसी से, भक्ति भगवान की हो सकती है। पहली बात तो यह कि भगवान की भक्ति, और फिर दूसरा भक्ति का स्वरूप, जोर से बोलो, श्रवण कीर्तन स्मरण, उसमें भी सबसे पहला क्या है, श्रवण। गुरुजनों के मुख से भक्ति सिद्धांत का श्रवण करें, भगवान की कथा वार्ता सुने। क्यों? क्योंकि हमारा मन अटक गया है, उस मन की अटक मिटाने के लिए जब गुरु का शब्द शक्ति संपन्न होकर कान के मार्ग से हमारे हृदय तक जाता है, तब मन की गति बदलती है, तब मन बदलता है। कुछ दिन पहले मैं आपसे यही तो कह रहा था, अगर चमत्कार होता है इस पूरे अस्तित्व में तो वो सत्संग में ही होता है, सत्संग से ही होता है। और कोई पूछे क्या चमत्कार होता है, भाई मन बदल जाता है, स्वार्थ में लगा मन परमार्थ में लग जाता है। श्री कबीर जी यही कह रहे हैं ना, देखत चढ़े और छुअत ही लागे, सुरत किए तन देत घुमाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। एक बात मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं, आप इन सब सिद्ध संतों का जीवन देखो जो भगवान के धाम से ही आए हैं। कल हम इसी बात पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे ना, कैसे कह दिया कबीर जी ने, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होई। उनसे कोई पूछे कि भाई आप कैसे ये बात कह रहे हैं, क्या आपने वैकुंठ देखा है? हाँ भाई उन्होंने देखा है, वो वहीं से ही आए हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, वो वहीं से आए हैं, इसीलिए तो आकर कह रहे हैं भाई जो सुख यहां है वो वहां नहीं है, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होई। ऐसे ऐसे सिद्ध संत जो भगवान के धाम से आए, लेकिन यहां आकर उन्होंने भगवान का नाम सुना तो पहले गुरु मुख से श्रवण किया। अच्छा, सबकी दीक्षा बड़ी विचित्र प्रकार से हुई, सबका कान नहीं फूका गया, ये एक प्रकार की दीक्षा है। दीक्षा अनेक प्रकार से होती है, सदगुरु समर्थ हो केवल अपने संकल्प से दीक्षित कर देता है, वो अपनी दृष्टि से दीक्षित कर सकता है, अपने स्पर्श से दीक्षित कर सकता है, अपने विचार से दीक्षित कर सकता है। पहले तो होता ही यही था,
गुरु ये देखता था कि भाई शिष्य का अधिकार कितना है, इसकी पात्रता कितनी है। अगर वो संस्कारी जीव है, पूर्व का उसका संस्कार प्रबल है, तो केवल दृष्टि से दीक्षित कर देता था, वो स्पर्श से दीक्षित कर देता था। कि प्याज पूछा किसी ने यहां कि मैं पहली बार कथा सुनने यहां आई हूं, और जिस दिन से आई हूं उस दिन से मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारी दीक्षा हो गई। कौन है भाई, पूछने वाला कौन है ये बताओ हमको। हम ये तो नहीं पूछेंगे आप कौन है, जिसने भी ये प्रश्न पूछा उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पूछना है, ये जो पूछने वाले हैं ये कौन है। और मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, ऐसे एजेंटों से सावधान रहना। हमारे यहां से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सत्संग है भाई, यहां तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जाने कौन कौन श्रवण करता है, करने आता है। ये तो द्वार प्रभु का द्वार है, बैठे सबे सभा हरि जू की, और कौन बड़ो को छोट। और फिर आपने पूछा कि क्या आपके द्वारा सुनाई जा रही कथा ही दीक्षा नहीं है, आपकी अगर ऐसी पात्रता है तो मैं तो बड़ा प्रसन्न होता हूं ऐसे व्यक्ति से सुनकर, जिसको जो विचार से ही दीक्षित हो जाए, जो विचार से ही दीक्षित हो जाए उसकी पात्रता अधिक है। ऐसी किसी बात में नहीं पड़ना कभी, और ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। और सावधान रहकर करें क्या, उनकी बात पर ध्यान मत दो। उत्तर देना तो दूर की बात है, उनके प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा के तो अनेक अनेक प्रकार होते हैं भाई, अनेक प्रकार से दीक्षा होती है। संतों के मुख से श्री महाप्रभु जी की महिमा सुन के ही सेवक जी महाराज महाप्रभु के चरणों में दीक्षित हो गए। हमारी दीक्षा तो जाने कैसी है, सेवक जी कैसे समर्पित हुए, आत्मनिवेदन ही कर दिया, केवल महाप्रभु जी की वार्ता ही तो सुनी, संतों के मुख से महाप्रभु जी की चर्चा सुनी, समर्पित हो गए महाप्रभु जी के चरणों में। श्री ध्रुवदास जी को भक्त नामावली में कहना पड़ा, सेवक की सर को करे भजन सरोवर हंस। और बोले ऐसे सेवक हुए उनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, अतुल्य उपमाहीन जिनकी निष्ठा है, ऐसे श्री सेवक जी हो गए। अब उनकी दीक्षा कैसे हुई, रसिकों के मुख से सुना, वहीं से ही बैठे बैठे अपने मन के पवित्र संकल्प से अपने आप को महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अरे सेवक की सर को करे भजन सरोवर हंस, मन बच के धर एक व्रत गाए श्री हरिवंश, वंश बिना हरि नाम हूं लियो न जाके टेक, मेरे पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। ये तो आपकी पात्रता है भाई, आपकी योग्यता कितनी है। खैर हम तो कुछ और बात कर रहे थे कि संतों ने जो भगवान के धाम से आए उन्होंने भी यहां पर गुरु के मुख से श्रवण किया। हम श्रवण की बात कर रहे थे कि महिमा श्रवण की है, पहले गुरुजनों के मुख से भक्ति सिद्धांत का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए सेवक जी महाराज ने इस रस देश में प्रवेश से पहले ही यह बात कही, प्रथम जो शुक मुख बचन सुनावहु, भाई जो शरणागत हुआ है उसको पहले श्रीमद् भागवत सुनाए। इससे क्या होगा, इससे जो सब ओर मन अटका है भटका है वो सब ओर से सिमट कर श्री कृष्ण के चरणों में आ जाएगा। और फिर कृष्ण क्या करेंगे, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी। बोली सखी जी ने बात गही है महाप्रभु जी की बधाई में, आवहु ललिता आज बधाई गाइए। इस बधाई में बोली सखी जी कह रही है, लाल जी कहते हैं ये बात, बोले मैं ही खींच कर लेकर आता हूं रस रीति में, सीधे सीधे यहां तक कोई नहीं पहुंचता है, मैं ही लेकर आता हूं, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरका। क्योंकि इस उपासना के लिए, इस उपासना के लिए जो आवश्यकता है ना वो अनन्य मन की, अनन्य भाव। पहले तो सब ओर से मन हटके एक में लगे ना, और वो एक कौन है, सब ओर से मन हटके पहले कृष्ण में लगे जो सत्य वस्तु है, और यही श्रीमद् भागवत का लक्ष्य है, उद्देश्य है। पर अंतिम बात क्या है, हरेर नामानु कीर्तनम, मैं भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करे। पर यहां कहा भाई प्रेम से कीर्तन करे, और उस प्रेम के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेम के लिए कोई प्रेमी चाहिए,
प्रेम के लिए प्रेमी चाहिए। अब कीर्तन तो गली गली में हो रहे हैं, इस कीर्तन की बात सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। वो जो गली गली में कीर्तन हो रहे हैं, आज जो कीर्तन का स्वरूप हो गया, उस कीर्तन की बात नहीं कर रहे हैं यार, वो कीर्तन नहीं है। प्रेम से भगवान का नाम, भगवान की लीला गाए। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर। कीर्तन कैसा हो, वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च। अरे वाक गदगदा, वाणी गदगद हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवीभूत होता हो, कभी हंसता हो कभी रोता हो। सेवक जी महाराज दिखाते हैं एक झांकी, कीर्तन करने वाले ऐसे भी होते हैं, गावत गीत रसाल। आगे वाणी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? गावत गीत रसाल, भाल तिलक शोभित घना और बिन प्रीत ही बेहाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। गावत गीत रसाल, बोले बड़ा मीठा मीठा गा रहे हैं, माथे पर तिलक भी बड़ा जोर का लगाए, भाल तिलक शोभित घना फिर बिन प्रीत ही बेहाल। फिर आगे कहा, ताल न शोभित प्रीति बिन। ऐसे सेवक जी महाराज ने झांकी कराई है, कीर्तन तो ये भी हो रहा है, पर यहां उस कीर्तन की बात नहीं हो रही। कैसा कीर्तन? वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च। देखो भाई, ठाकुर जी को जो वस्तु निवेदन की जाती है ना, उसे अमनिया कहते हैं। अमनिया कहते हैं ना, जिसमें मन भी ना गया हो किसी का, अपने मन से भी जो अछूती वो वस्तु है प्रभु को निवेदन करने के। अब जो कार्य हुई सारी दुनिया को दिखाने के लिए रहा है, वो ठाकुर जी कैसे स्वीकार करेंगे भाई? वो भाव प्रभु तक पहुंचेगा कैसे? जो काम किया ही सारी दुनिया को दिखाने के लिए जा रहा है, वो कार्य प्रभु तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए संत कहते हैं भाई, भक्ति दर्शन की विधा है। भक्ति तो भगवान का दर्शन कराती है, प्रदर्शन नहीं। अभी हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं, वो ऋषि जिनके गले में महाराज परीक्षित ने वो सर्प डाला, वो कैसे हैं? ब्रह्मणी गूढ़ते जैसी अपना अपना भजन छिपा कर बैठे हुए, अपने तप का तेज दुरा कर बैठे हुए, छिपा कर। सुखदेव जी महाराज जब सभा में आए, सब खड़े हो गए, महर्षियों ने उनको उनके लक्षणों से पहचाना, उन्होंने तो अपना तेज छिपा रखा है। भगवान के भक्त तो है, होते ही ऐसे हैं, भक्ति की विधा ही यही है। सान कामयमाना निरोभ रूपत्वात्, भक्ति योगिनी है, सलज्जा है। भगवान की माया कैसी है? चंचला है। भक्ति धीरा है, गंभीरा है, सलज्जा है, तो अपने आप को छिपा कर रखती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री ये जानती है कि मेरे मुख दर्शन का अधिकार केवल मेरे पति को है, वो सेवा सबकी करती है, वो सहयोग सबका करेगी, लेकिन वो ये जानती है भाई कि मेरे मुख दर्शन का अधिकार केवल मेरे पति को है। वो जो आवरण हटाती है वो केवल पति के ही आगे से हटाती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति है, पतिव्रता अनन्या सुधन्या। भक्त यहां रहेगा, वो सबकी सेवा करेगा, सबको प्रणाम करेगा, सबका आदर करेगा, लेकिन वो ये जानता है कि मेरा जो हृदय का भाव है ना, उसके अधिकारी तो केवल प्रियतम है। जो मेरे हृदय का दिव्य भाव है, उसका भोग तो मेरे प्रियतम ही लगाएंगे, उस पर किसी की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए अपने हृदय का भाव जहां तक हो सके दुराकर ही रखना चाहिए, छिपा कर ही रखना चाहिए। तभी तो संतों ने समझाया, कह कहना जनाब। तो सार की बात तो ये, प्रेम से कीर्तन करे, पर प्रेम से कीर्तन करे। प्रेम कहां से लाएंगे भाई? प्राण दिए ही प्रेम ना पाइए। प्रेम के लिए भक्ति कर दीप प्रेम करवाती, साधु संगति कर अनुदिन राती।
प्रेम के लिए रसिकों का संग होगा, तब तब उस प्रेम का स्पर्श होगा। फिर आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। सुदेव जी महाराज ने कहा भाई एक असावधान व्यक्ति 100 वर्ष भी जिए तो उसके जीवन का क्या लाभ है। और बोले सावधान होकर किसी को अगर थोड़ी सी भी अवधि यहां पर मिली है तो वो परम फल का अधिकारी हो सकता है। तो दो शब्द कहे, बोले एक असावधान है एक सावधान है। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं भाई, जिसके जीवन में सत्संग है उसके जीवन में बस सावधानी ही आपको विशेषता के रूप में दिखाई पड़ेगी। जिसके जीवन में सत्संग है जिसके जीवन में नहीं है कैसे पहचाना जाएगा कि एक के जीवन में सत्संग है एक के जीवन में नहीं। जिसके जीवन में सत्संग होगा वो सावधान होगा। सावधानी का अर्थ समय व्यर्थ नहीं जा रहा है उसका, वो बड़ी सावधानी से अपने साधन का सदुपयोग कर रहा है, अपने धन का सदुपयोग कर रहा है। संसार में बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहते हैं, बड़ा सोच समझकर खर्च करते हैं, वो बड़े बुद्धिमान है, बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। ऐसे ही जो समय रूपी संपत्ति है, मुझे लगता है जो वास्तविक निधि भगवान ने दी है, जो धन आपको मुझे मिला है, जो उसको सोच समझ कर लगाता है। चलते चलते बस हो गए खड़े, 10 मिनट सुन ली किसी की बात, कैसे लगा दिया आपने अपने जीवन के 10 मिनट। अरे एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि असावधानी होगी तो क्या होगा, भगवत विस्मृति होगी, भगवान भूल जाएंगे। और भगवत विस्मृति होते ही क्या होगा, सारे क्लेश जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। जब तक आप सावधान हो, सतयुग हो कि कलयुग हो, सावधान के लिए कोई युग नहीं है ना, उसकी दृष्टि तो भगवान पर है, उसका मन तो भगवान में रमा है। जब तक आप सावधान हो तब तक विकार प्रवेश नहीं कर सकता है। और पहले हम इस विषय पर चर्चा कर चुके कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, उनको अगर आप रहने के लिए स्थान नहीं दोगे तो वो नहीं रह सकती, उनको लौट जाना पड़ेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं। ये बात इसीलिए कही कि तुम इस बात की चिंता ना करो कि 7 दिन बचे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया महाराजा खटवांग का, सूर्यवंशी राजा, देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता कर रहे थे, विजय दिलाई उनको। और जब उन्होंने देवताओं से पूछा, देवताओं ने कहा हम प्रसन्न हैं, मांगिए क्या मांगते हैं। उन्होंने कहा ये बताइए मेरी आयु कितनी शेष है। उन्होंने कहा 2 मुहूर्त। सब छोड़ा दौड़कर आए, जो भी करने योग्य कर्म था वो करके और उस पर ब्रह्म के आराधन में प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर बैठ गए और 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। ये जो आज जहां चर्चा आरंभ हुई ना, प्रौढ़ वैराग्य आश्रित है। हमारा जो वैराग्य है, जो भी हमारी भावना है वो दृढ़ हो, कि आता जाता जो है ना हमारा भजन भाव, ये हमको बता रहा है कि भाई हमारी उन्नति नहीं हो रही है, हमारी गति नहीं हो रही है। भजन भाव में स्थिरता कैसे आए, सतत भजन कैसे हो, निरंतर भजन कैसे हो। बड़ा सुंदर संगीत एक वाद्य यंत्र से प्रकट हो रहा है, होते होते तार टूट जाए तो हो गया ना सब समाप्त। संगीत कब प्रकट होता है, जब तार जुड़ा है, तार टूट नहीं जाए। सहजोबाई कह रही सावधान सिमरन करे तार टूट नहीं जाए। तार टूटा तो वो जो प्रेम का संगीत प्रकट हो रहा है, बोले वो बाधित हो जाएगा, समाप्त, तार टूट नहीं जाए। तो उदाहरण दिया महाराजा खटवांग का, बोले इसे 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति कर ली, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। बोले निश्चिंत हो जाओ और जो परम कल्याण के लिए किया जाना चाहिए वो सब कर लो। फिर सुखदेव जी महाराज ने विधि बताई क्या करना चाहिए। बोले सबसे पहले, बोले धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें, अरे किसी एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। अब ये बात केवल महाराज परीक्षित के लिए नहीं है, हमारे लिए है। घर से निकलकर अर्थात
मन को घर के व्यवहार से मोड़कर भगवान की ओर सन्मुख करके। केवल ईंट पत्थर के मकान से निकलना ही घर से निकलना नहीं होता ना, वहां से निकल निकल के तो आज हजारों लोग आ रहे हैं यहां पर। शरीर तो घर से निकला पर घर तो मन से नहीं निकलता है ना। मन घर में रहता है, घर मन में रहता है, मन से घर निकले। इसीलिए कहा कि कहीं भी रहिए, मन को वहां से मोड़कर प्रभु की ओर करना है। और अभी दो दिन पहले मैं आपसे कह रहा था, पहले समय था भाई घर छोड़ के कोई वन में जाता था, अब बने ही नहीं है। पहले जंगलों में साधु महात्मा तपस्वी सिद्ध रहते थे, आज चोर लुटेरे डाकू रहते हैं। तो आज तो जहां हो, अब जो भी श्रीमद् भागवत में कहा गया है उसको आज की स्थिति परिस्थिति के अनुसार अगर हम विचार करते हुए समझें, उसका अर्थ यही है, घर से निकलकर माने प्रभु की ओर सन्मुख होकर, मोड़कर थोड़ी देर के लिए। और मैं कहता हूं ये अभ्यास नित्य होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सबसे दूर करके, एक और करके बैठिए भगवान के भजन में। मैं आपको कहता हूं ना कि जब यहां आते हो कम से कम उतनी देर के लिए तो अपने मन में ये विचार करते हुए आओ, भाई अब इतनी देर के लिए ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे ओ मेरे। साइलेंट पे करके रखते तो हो फोन, ये बताओ लाते तो हो ना, यहां लाते हो ना, सब लाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि लेकर ही नहीं आओ थोड़ी देर के लिए, दो घंटा, दो ही घंटा की तो बात है, डेढ़ घंटे का यहां सत्संग होता है, आधा घंटा और लगा लो, घर छोड़कर आओ। अब सब सोच रहे हैं ये कैसे होगा, ये काम कैसे हो, ये तो बड़ा कठिन कार्य बता दिया, ये कैसे किया जाए। और जिसको ये करने में कठिनाई मालूम पड़ रही हो, अपने प्रति ईमानदार रहना, मुझसे तो कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसको ये करने में कठिनाई मालूम पड़ रही हो वो ये देख ले, वो इस बात का विचार कर ले कि जाने अनजाने वो कितना आश्रित हो गया है, किसी भी एक वस्तु पर कितना आश्रित हो गया है। यहां महाराजा परीक्षित स्वर्ग से अधिक लक्ष्मी, देवताओं से अधिक वैभव छोड़कर, एक क्षण में छोड़कर और गंगा किनारे आकर बैठ गए। हम भी अपने आप को साधक कहते हैं, ऐसे कसो अपने आप को इस कसौटी पर, छोड़ के आओ। अरे जब ये वस्तु नहीं थी जीवन में, लोग जीते नहीं थे क्या, काम नहीं चलता था। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, किसी ने आपको नहीं बांधा है, आप बंधे हो, कोई आपको नहीं छोड़ेगा, आपको ही छोड़ना है। जिस दिन त्याग करना होगा उस दिन आपको ही करना होगा, कोई तो आपको तब छोड़े ना जब किसी ने आपको पकड़ा हो। किसी ने नहीं पकड़ा है भाई, आप पकड़ कर बैठे हो, छोड़ दो छूट जाएगा। और अगर सत्संग के लिए नहीं छोड़ सकते, अगर भगवान के लिए कोई संसार नहीं छोड़े तो संसार के लिए तो भाई संसार नहीं छूटता है, संसार के लिए तो संसार नहीं छूटता है। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, जब मैंने ये करने के लिए कहा कितने लोगों को ये करना कठिन लगा, हाथ उठाकर बताओ कि भाई थोड़ा कठिन काम है ये, ईमानदारी से। अच्छा सारे ही भक्त बैठे हैं यहां, तो फिर कल से आज्ञा है, हमारी आज्ञा है कि कल से कोई अपना फोन यहां लेकर नहीं आएगा, घर में छोड़कर आएगा। भीतर बाहर जो सब लोग बैठे हैं ये सब लोग सुन ले, क्योंकि आपको कोई कष्ट तो है नहीं। कल से कोई अपना फोन यहां लेकर नहीं आएगा, अपने घर में छोड़कर आओगे और यहां से जाने के बाद अपना मेल मिलाप जो हो सो करना। घर से चलो तो एक बात विचार कर, संत तो यही कहते हैं जीवन के हर क्षण को अपना अंतिम क्षण समझना चाहिए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो ना हो। जब घर से चलो तो यही भाव लेकर, यही बात पहली विधि यही बताई है, बोले घर से निकल कर और पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें। आप केवल वही छोड़ाओ, आप उसी से मुंह मोड़ लो, और अधिक आपको हम करने के लिए नहीं कहते। और बोले पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें, सत्संग के जैसा तीर्थ और कौन सा हो सकता है।
और संतों के मुख से जो जो भगवत यश की निर्मल धारा बह रही है उससे सुंदर स्नान और कौन सा हो सकता है। बात तो सारी भाव की है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बात तो सारी भाव की है। भाव हो तो भगवान कहीं पर भी प्रकट होते हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे। विधि क्या है? प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं होता, प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई तिथि नहीं होती, कोई विधि नहीं होती। कोई करने वाला हो तो प्यार नाल ओनु कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला दानी। तो आज से हमारी आज्ञा है, ये फोन नहीं लेकर आएगा कोई यहां पर, घर छोड़कर आइए। और बाकी तो किसी को कठिनाई थी नहीं, जिन दो चार लोगों ने हाथ उठाया ईमानदारी से हमको कठिनाई है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी कठिनाई दूर हो जाए। बाकी सब अपने बल पर अपना फोन घर छोड़कर आना है। तो धैर्य के साथ घर से निकलकर फिर कहा पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें, और फिर सबसे पहला कार्य क्या करें? पहले से किसी सुखद आसन में बैठकर, यहां तो कहा गया है प्रणव का जप करें, यहां कहा त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम, पर हमारे लिए परम परमाक्षर क्या है? सेवक जी महाराज ने कहा श्री हरिवंश परम परमाक्षर, श्री हरिवंश कृपा सदनम। सबसे पहले बैठकर जप करे, नाम का जप करे, मंत्र का जप करे। बड़ी सुंदर विधि श्री सुखदेव जी महाराज ने बताई, वो ध्यान से श्रवण करने की बात है, सावधान होकर सुनना। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम, मनो यच्छेद जितश्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरन। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे, एक क्षण के लिए भी प्रणव को भूले नहीं। यहां एक प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने जप की विधि बताई है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, आप और मैं जो कर रहे हैं वो नाम की रटन है, जबकि उसकी भी महिमा है। हमारे यहां तो नाम रटने की ही महिमा है। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे, सेवक जी महाराज ने कहा नाम रटत आई सब सोई। पर यहां जप की विधि बताई है, उसके आगे क्या है? रटन के बाद जप है, फिर जप के बाद आगे धीरे धीरे साधक उन्नति करता है, जब से वो उपांशु जप में पहुंचता है, उपांशु जप से मानसिक जप में पहुंचता है, मानसिक जप से अजपा जप में पहुंचता है, और फिर वो अजपा जाप भी भीतर शांत हो जाता है। सबसे पहले वो उपांशु जप करता है, फिर मानसिक जप में पहुंचता है, मानसिक जप के बाद अजपा जप है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब अजपा जप भी शांत हो जाता है, जब वृत्ति तदाकार हो जाती है। जब जपने वाला कोई नहीं रहेगा तो फिर जप कैसे होगा? जब जपने वाला ही नहीं रहता है, जब जीव रसरूप हो जाता है, जब उसकी वृत्ति विषय में तदाकार हो जाती है, तब अजपा जाप भी भीतर शांत हो जाता है। लेकिन यहां सबसे पहली विधि बता रहे हैं आपके लिए, हम जो दिन रात लगे हैं उठा पटक में, हम कैसे आरंभ करें? तो सबसे पहले तो रटें, रट रसना दिन रैन। रटते रटते जब जब नाम की कृपा से थोड़ा मन स्थिर होने लगे, थोड़ा हमारे मन में भजन के प्रति उत्साह होने लगे, तो क्या करे? पहले आसन लगाकर बैठ जाए, सबसे पहले प्राणवायु को वश में करके। प्राणवायु को वश में करना माने जो आपकी श्वास है ना, श्वास की जो गति है उसमें एक लय होनी चाहिए। आप देखो हमारी श्वास कैसी है, कभी धीमी कभी तीव्र। क्षमा करना, बहुत से लोगों को तो गहरा सांस लेना भी नहीं आता। कि जो सही प्रकार से श्वास लेने की विधि है ना, जो रेचक कुंभक और पूरक की विधि है, जो बहुत बहुत आरंभिक बात है, बहुत सारे लोगों को तो उसका भी ज्ञान नहीं, सांस लेना भी नहीं आता। यही तो आपसे कह रहा हूं, अब ये जो सांसों की संपत्ति है इसको ही संभालना नहीं आता, यही गंवाता है व्यक्ति। और जो दिन रात क्रोध कर रहा है, दिन रात कामना के वशीभूत हो रहा है, उसका मन तो कभी धीरज पाई नहीं पाएगा भाई, वो कभी सुखासन में स्थिर हो ही नहीं सकता। आप जब क्रोध करते हो श्वास की गति तीव्र हो जाती है कि नहीं? शरीर से भोग भोगोगे तो श्वास की गति तीव्र हो जाएगी कि नहीं? व्यर्थ की चिंता जब कोई करता है तो उसकी श्वास की गति बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती?
ये सबसे पहला कार्य क्या कहा गया है? बोले पहले श्वास की गति में एक लय उत्पन्न करें, रिदम। आप देखना, कभी आप देख सको तो आप अनुभव कर सको, तो ये सृष्टि का एक एक कण जो है ना, बड़े लयबद्ध तरीके से चलता है। रचनाकार की रचना ऐसी है, सृष्टि का एक एक कण जो है ना, बड़े लयबद्ध तरीके से चलता है। इसमें एक संगीत है, इसमें एक लय है। और महाराज वाणी में एक बात कहते हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी गंभीर, कह रहे, जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। आपके आपके भीतर भी एक पूरा ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। ये एक प्रकार से मानसी भावना में पहुंचने का क्रम है। सबसे पहले मैं आपसे सदा कहता हूं ना भाई, सबसे पहले तो तन को साधना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो तन साधा जाएगा। कुछ दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, चलते फिरते तो नाम जप कर लेते, बैठ के नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, करिए। मनुष्य होकर नहीं करोगे तो कब करोगे? पशु थोड़ी समाधि लगाते हैं। मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है, क्या भोग भोगने के लिए दिया है? बस खाया पिया सोया, इसी के लिए शरीर मिला है? अरे साधन के लिए मिला है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसा क्यों कहते हो हमसे नहीं होता? दिन रात संसार का चिंतन होता है, संसार को प्राप्त करने के लिए सात समंदर पार की दौड़ आप लगा सकते हो, एक आसन पर टिक कर बैठ नहीं सकते। ऐसा नहीं कहो नहीं होता। फिर महाप्रभु थोड़ा फटकार कर कहते हैं, तू बालक नहीं भरे हो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ये नीके प्रकार से भजन की विधि सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। आप ये ना समझना कि नहीं नहीं हमारे लिए सब नहीं, हमारे लिए ही है ये तन मन को साधने की विधि जो है वो हमारे लिए ही है। हमारा कैसे मानसी भावना में प्रवेश होगा? तन स्वस्थ होना चाहिए। ये चार सकार हैं, तन स्वस्थ होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, चित्त स्थिर होना चाहिए। ये चार सकार कहे हैं संतों ने, भजन करने वाले संतों का यह अनुभव है। सबसे पहले तो तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, बुद्धि सात्विक हो और चित्त स्थिर हो। और इस क्रम में सबसे पहले तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, ये मन को शांत करने की विधि है। एक संत ने मुझसे कभी कहा था ऋषिकेश में कि जब आप जप करने बैठते हो, इतना सा अभ्यास आप करके देखना कि यदि आपकी जिह्वा मध्य में रहे, ऊपर या नीचे, ना तालु का स्पर्श करे ना नीचे, आपकी जिह्वा यदि मध्य में रहे तो बोले बड़ी शीघ्रता से आपके मन में उठने वाले संकल्प विकल्प कम होने लगेंगे। ये एक अनुभूत प्रयोग है सिद्ध संतों का कि आप 15 मिनट करने के लिए, नाम जप करने के लिए आप बैठे, और यदि आप मानसिक जप यदि करते हैं तो बोले इतनी बात का आप ध्यान रखें कि आपकी जिह्वा जो है वो ना तालु का स्पर्श करे ना नीचे, मध्य में रहे, स्पर्श ना करे। बोले ऐसा करने से क्या होगा, आपके संकल्प विकल्प बड़े बड़ी तीव्र गति से कम होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। फिर उन संत ने विधि बताई, फिर मैंने इसका कुछ अपने जीवन में प्रयोग करके देखा, ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है। ये आरंभ में आपको थोड़ी असहजता हो सकती है क्योंकि आपको मन यहां लगाना पड़ेगा कि भाई कहीं जिह्वा स्पर्श तो नहीं कर रही आरंभ में आपका, क्योंकि मन तो एक है ना, वो पहले वहां लगेगा। पर घबराने की बात नहीं है, थोड़े दिनों में इसका अभ्यास हो जाएगा और इसका बड़ा बड़ा शीघ्र लाभ मिलता है। तो कहा इस प्रकार प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें। मन का दमन अर्थ, मन क्या है? संकल्प विकल्प। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं संकल्प विकल्प आत्मकम मनम, संकल्प विकल्प का ही नाम मन है। उनका दमन करना माने जो हमारे भीतर वो जो अनेक अनेक प्रकार के विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं ना, उनको धीरे धीरे समाप्त करें, उसकी विधि यहां पर बता रहे हैं। और फिर कह रहे बुद्धि की सहायता से, बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। अब यहां बुद्धि की सहायता को, इसलिए मैंने कहा बुद्धि सात्विक हो, बुद्धि सात्विक होगी तो भजन में लगाएगी ना, बुद्धि सात्विक होगी तो ये बताएगी ना कि भाई ये सब असार है, अनित्य है,
बुद्धि यदि राजसिक या तामसिक होगी वो तो लगा ही रखेगी संसार में। अनेक अनेक बार हमने इस बात पर चर्चा की, भाई अपने जीवन में सत्व गुण बढ़ाइए। भगवान ने कहा है सत्तम ही मे हृदयम यत्र धर्म। सत्व गुण बढ़ेगा जीवन में, बुद्धि सात्विक होगी तो वो आपको धकेलेगी भजन की ओर, नहीं तो यहां बैठे बैठे भी मन परिक्रमा संसार की करता रहेगा। करता ही है, एक क्षण के लिए कभी आपने मन का चैन पाया ही नहीं, आपने आपको पता ही नहीं है मन का चैन होता क्या है, मन को चैन मिला ही नहीं। अरे दिन की छोड़िए, रात में वो जाने आपको कहां कहां की दौड़ लगवाता है। स्वप्न में व्यक्ति क्या क्या देखता है, क्या क्या करता है, कहां कहां पहुंचता है, मन की दौड़ ही तो है। छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ा प्रभाव है इनका, बड़ा। तो क्या बुद्धि की सहायता से, कैसी बुद्धि, सात्विक बुद्धि। शरीर कैसा हो, जोर से बोलो, मन बुद्धि चित्त स्थिर, ये लक्ष्य है हमारा। हमारा तन स्वस्थ रहे, हमारा मन शांत हो, हमारी बुद्धि सात्विक हो और हमारा चित्त स्थिरता को प्राप्त करे, हमारे चित्त में स्थिरता हो। और फिर स्थिर चित्त से, यहां तक तो भाई सबको करना पड़ेगा, अब बता रहे हैं बोले किसी को अगर भगवान के रूप का ध्यान करना है, वहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये मानसी भावना में प्रवेश की विधि सुखदेव जी महाराज ने बताई है। फिर कहा तत्रैकावयवं ध्यायेत् व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर् मनो यत्र प्रसीदति। फिर कह रहे स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करें। अगर आपको स्मरण हो तो पूर्व में किसी चर्चा के समय मैंने कहा था रूप का ध्यान करना है, क्योंकि संसार की कामना को निरस्त करने वाला भगवान का रूप ही है। ये जो संसार का आकर्षण है इसको नष्ट करने वाला श्री कृष्ण का रूप है। पर रूप का ध्यान करते हुए सबसे पहले क्या करना है, श्री चरणों का ध्यान करना है। आपको आपको किसी और श्री अंग का ध्यान करना हो तो भी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो, क्योंकि यहां तो सुखदेव जी महाराज ने कहा है किसी एक अंग का ध्यान करें, एक अंग में मन लगाए। कल यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, भाई मन को एकाग्र करने के लिए पहले कोई एक तो चाहिए। हर रोज मैं आपको नई नई तरीके की बात बताता रहा हूं तो मन तो भटकता ही रहेगा ना, कोई एक तो चाहिए मन को लगाने के लिए। और यहां तो कह रहे हैं उस एक में भी पहले किसी एक अंग का ध्यान करें यदि मन को स्थिर करना है तो। तत्रैकावयवं ध्यायेत् व्युच्छिन्नेन चेतसा, एक अंग का ध्यान करें, फिर एक अंग का ध्यान करें। अरे फिर ऐसे एक एक अंग का ध्यान करते करते कहे कि फिर विषय वासना से रहित मन को, यहां परोक्ष रूप से ये कह दिया कि भगवान के श्री अंग का ध्यान करने से मन की वासना नष्ट होती, श्री कृष्ण के श्रृंगार का ध्यान करने से मन के विकार नष्ट होते। मुखड़े को देख के जी चंदा लजाए, घुंघरारी लट पे घटाए वारी जाए, जी घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए। हम देखो कितने सौभाग्यशाली, हमको ध्यान करने के लिए सुंदरतम पिय मिला है। अब योगी लोग तो बेचारे ज्योति का ही ध्यान करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते होंगे, वो तो वही जाने। हमारे सूरदास जी तो कहते हैं मिलबो नैनन ही कुनी को, मदन गोपाल हमारे सरबस, मदन गोपाल हमारे सरबस, यही भाव तो जी को आ, यही भाव तो जी को
वो तो कह रहे फीको ज्ञान पोथी को, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलबो नैनन ही को नी को। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनी सुरमुनि क्यों भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कह रहे मुक्तया आपि विग्रहम कृत्वा तं भजन्ते, जो मुक्त हो गए हैं वो भी शरीर धारण करके आते हैं श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करने के लिए। यहां पर एक का ध्यान करना हो तो हमारे आचार्य यही कहते हैं हरि पद भज न विलंब कर, मेरा ऐसा मानना है, या फिर आप कह लीजिए मेरी रुचि ऐसी है, मुझे चरणों के ध्यान में ही अधिक रुचि है, श्री चरणों का ही ध्यान बना रहे। और यहां कहा कि फिर उससे मन को वासना रहित कर दे, रूप के ध्यान से मन को वासना रहित कर दे, और फिर ऐसी स्थिति में पहुंचे किसी अन्य विषय का चिंतन रहे ही नहीं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पदे तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति, बोले वही परम पद है जहां जाकर मन प्रसन्न हो जाए। मन यहां पहुंचने से पहले प्रसन्न नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहां पहुंचने से पहले तक क्या है, संस्कृति है, आवागमन है, आना जाना, खोना पाना है। यहां पहुंचने से पहले यहां प्रभु के अतिरिक्त और कुछ रहे ही नहीं, ना कोई कामना ना वासना का लेश, जब जीव रसरूप हो जाए। पर ये क्रम बताया, ये क्रम है वहां तक पहुंचने का। व्यास जी ने कहा ना, परम पद कहे तो कौन सो लोग, क्या होता है परम पद, बोले कोई तहाते गयो ना आयो ऐसो सुख संजोग, बोले जो वहां जाता है वो लौट कर नहीं आता। परम पद माने जहां जाकर लौटना ना हो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, गीता जी में भगवान कह रहे हैं वो है मेरा परम धाम, वो परम पद जीव पाता है जहां जाकर लौटता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और फिर ये जो पंक्ति सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ना, बड़ी प्यारी है। कह रहे परम तत्परमं विष्णु और मनो यत्र प्रसीदति, मन का निर्मल हो जाना ही परम पद है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। बोले वही परम पद जिसको प्राप्त करके मन उस भगवदानंद से भर जाता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, परम पद पर आरूढ़ होकर ही कबीर कहते हैं भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी, मैं पनिया भरन से छूटी मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला। परम पद पर आरूढ़ होकर ही कही है ये बात कबीर ने, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है ये कहने की। और जो ये कहते हैं उनकी वाणी को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उनकी वाणी स्वतः सिद्ध प्रमाण है। अब कोई पूछे ये बात वेद शास्त्र में कहां लिखी है, लिखी हो न लिखी हो इसकी कोई चिंता नहीं है, इन संतों की वाणी स्वतः सिद्ध प्रमाण है, वहीं पहुंचकर ये बात कही जा सकती है। हाँ ये बात दूसरी है, हंसा की गति हंसा जाने, कहां जाने को कागा। अब जिसकी खोपड़ी दिन रात किंतु परंतु में ही लगी है, उसको लगता है कि भाई हमारे पोथी के ज्ञान से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, अपनी वो जाने। फिर कबीर ने तो कह दिया हंसा की गति हंसा जाने, कहां जाने को कागा। मैं कहता हूं ये बात
ये शब्द कोई परम पद पर आरूढ़ होकर ही कह सकता है। भला भया मेरी मटकी फूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, 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 मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, राम रंग लागा माई, राम रंग लागा। इसीलिए तो कबीर ने कहा कबीरा जीते भेटिए, मिलकर कह रहे हैं वो, कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले न राम, मर गए तो नहीं मिलेगा, मिला तो यहीं मिलेगा, क्योंकि उसने मिलने के लिए ही यहां भेजा है, मिला तो यही मिलेगा। लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम, बोले गुरु रूपी पारस, गुरु रूपी पारस इसी तन मन को स्पर्श करके ही तो भाव रूप बनाएगा ना। ये लोहा यदि माटी मिल गया, ये शरीर यदि जलकर खाक हो गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, फिर पारस का क्या काम, जीते भेटी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रि माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा, मेरे सर से टली बला, 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 ओ मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। और फिर आगे वो बता रहे हैं जिसकी संभावना है। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तम विमूढ़ मन आत्मनः यच्छे धारणया धीरो हंतिया तत्कृतं मलं। बोले और यदि भगवान का ध्यान करते समय
रजोगुण से मन विक्षिप्त हो जाए या तमोगुण से मन मूढ़ हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य धरना चाहिए। अब ये तो भाई हम सबके साथ होता ही है। अब यहां दो बात समझने की है, कहा रजोगुण से मन विक्षिप्त हो जाए या तमोगुण से मन मूढ़ हो जाए। अब अगर जीवन में रजोगुण होगा अधिक तो क्या होगा, मन में बार बार विक्षेप होंगे। विक्षेप माने आप बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, माला हाथ में है, मुख से नाम भी चल रहा है, लेकिन मनवा तो चौं दिस फिरे, मन के जो संकल्प विकल्प है वो तीव्र गति से उमड़ेंगे, ये विक्षेप है। इसका कारण क्या है, रजोगुण। अभी दो दिन पहले बड़े विस्तार से हमने चर्चा की, गीता में भगवान ने कहा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, माने श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या वासियों को जब उपदेश किया तो ये बात कही, अनारंभ अनिकेत अमान। भगवान ने कहा जो अनारंभ है, अनारंभ माने वो जो अपनी ओर से संसार का कोई प्रपंच आरंभ नहीं कर रहा है, वो कह रहा है भाई ठीक है जो हमारे हिस्से का है हमको मिल जाएगा। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई ये ना समझे कि आप कैसी पट्टी पढ़ा रहे हैं, कि ये पट्टी पढ़ना हर किसी के बस की बात है नहीं भाई, क्योंकि तुम किए बिना रह नहीं सकते, किए बिना नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा जो अनारंभ है, जो अपनी ओर से कोई प्रपंच आरंभ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि जो भाग्य में लिखा है वो समय पर आकर दरवाजा खटखटा देगा, उसके लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा, कोई बचने का उपाय नहीं है। और नया प्रारब्ध हमको रचना नहीं है, क्यों, वो रचे ना जिसको बार बार यहां आना हो। मैं पहले जब ऐसे अलग अलग शहरों में जब जाना होता था तो कोई पूछता था कि आपका मन लग गया यहां, तो मैंने कहा मैं यहां मन लगाने थोड़ी आया हूं, हम सत्संग के लिए आए हैं, 3-4 दिन के लिए यहां आना हुआ है, अपनी प्रभु की बात कहेंगे कहकर चले जाएंगे, मन लगाने के लिए थोड़ी आए हैं यहां पर, कोई बसना थोड़ी है मुझे यहां पर, ये तो आने जाने के लिए है, यहां मन क्यों लगाना है। अब कुछ आरंभ करोगे, कुछ अपना यहां रचोगे बनाओगे तो उसमें मन लगेगा कि नहीं, बिना मन लगे कुछ होगा ही नहीं, बिना मन के तो कुछ होता नहीं। तो मन वो लगाए जिसको बार बार यहां आना हो। उपदेश मुक्ति का कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य का उपदेश कर रहे हैं, बना रहे हैं बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, कि क्या है भाई किसके लिए, जाना है रहना नहीं मरना विश्वावीस। यही बात तो यक्ष ने पूछी थी महाराज युधिष्ठिर से, किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, बोले हर रोज मरते हुए देखता है मनुष्य और उसको लगता है मैं नहीं मरूंगा। इसलिए करता होकर और अनेक अनेक उपक्रम करता ही रहता है, भीतर बाहर करने के संकल्प चलते रहते हैं। तो रजोगुण जितना अधिक होगा उतना मन में विक्षेप अधिक होगा। अब जो कहते हैं कि हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है, वो 2 घड़ी बैठ सकते हैं ना, आप लोग तो बड़े अच्छे हो और धीरज वाले भी हो, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा एक आध आकर बैठ जाता है, आप मैं यहां पर बैठा हूं ना उसको देखता हूं, वो कुछ क्षण के लिए भी टिक कर बैठ नहीं सकेगा, इधर हिला उधर हिला, ये देखा वो देखा, इधर किया उधर किया, बता देता है भाई बहुत रजोगुणी व्यक्ति है। आई एम नॉट जजिंग, मैं कोई कमेंट पास नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उसकी चेष्टा बताती है कि इसके भीतर क्या है, कि भीतर रजोगुण का बाहुल्य है, ये रजोगुण का प्रभाव है, उसके पास धीरता नहीं होगी, उसके पास स्थिरता नहीं होगी। तो रजोगुण का कारण है विक्षेप, जो आप कहते हो ना, बार बार कहते हो संतों महात्माओं से, पूछते हो महाराज जी क्या करें, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि रजोगुण अधिक है इसलिए नहीं लगता है, रजोगुण के कारण विक्षेप होगा। और मैं तो कहता हूं मोटी बुद्धि से समझ में आ जाने वाली बात है, मन में 10 काम शुरू करने के संकल्प होंगे तो भजन में क्या मन लगेगा, बैठोगे तो भी वही बात तो आपके मन में उमड़ेगी, मन का संकल्प वही है। और कह रहे तमोगुण मूढ़ कर देता है, तमोगुण का लक्षण क्या है, मूढ़ता। मूढ़ता माने उसको भजन करना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं भजन होता क्या है। जिसके जीवन में तमोगुण अधिक होगा उसका यहां से कोई लेना देना ही नहीं है,
उसको खबर ही नहीं है भगवान क्या है, भजन क्या है, वो तो खाना पीना सोवना और ना कोई चीज। संत किसी व्यक्ति को नहीं देखते हैं अच्छा है बुरा है। गीता में भगवान ने कहा है, बोले गुण गुण में बरतता है। जो साधु है, जिसके अंतर चक्षु खुल गए हैं, जिसको बोध हो गया है, वो कह रहे नहीं भाई कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ये सब त्रिगुण है। आपसे मैंने कहा था ना, ये जो भव सिंधु है इसमें त्रिगुण का ही जल भरा है। श्रीमद् भागवत में तो बार बार इसी बात का प्रकाश किया गया है, और ये सब त्रिगुण की रचना है। तीन गुण है, उनसे मिलकर हर हर वस्तु बनी है, आप में सब बने। किसी में कोई गुण अधिक है, किसी में कोई गुण अधिक है। जिसके जीवन में तमो गुण अधिक होगा वो इस ओर आएगा ही नहीं। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाग। इसीलिए उस दिन मैंने आपसे कहा था, जो माता पिता चाहते हैं ना कि भाई बच्चे भजन में लगे, सीधे भजन में नहीं लग रहे हैं तो क्या करें, पहले उनको सत्कर्म में लगाओ, जिससे उनके जीवन में कुछ रजोगुण तमोगुण कम हो, उनका सत्वगुण बढ़े, इस ओर रुचि तो हो। अब पशु तो है नहीं, रस्सी डाल के खींचकर यहां पर लाकर बैठा दोगे, कोई जोर जबरदस्ती तो यहां है नहीं भाई किसी से। जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। जबरदस्ती करनी है ना तो अपने मन से करो। ध्रुवदास जी ने कहा है, जबरदस्ती करनी है तो अपने मन से करो, ऐंच खेच या मन को, खींच तान कर लगाना है भजन में तो अपने मन को लगाओ, आप नहीं हो किसी को लगाने वाले। प्रार्थना कर सकते हो, और विधि ये है, लगाना है किसी को भजन में तो उसको पहले शुभ कर्म करने की प्रेरणा दो, उसके जीवन में पहले सत्वगुण बढ़े, कुछ आचार विचार हो उसके जीवन में, पशुओं की तरह खाना पीना सोना हो, ऐसा व्यक्ति कैसे भजन करेगा भाई। मैं बार बार आपसे कहता हूं, भजन के लिए सदाचार चाहिए। नागरीदास जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात, छोटी सी पंक्ति में बड़ी बात कह देते हैं, कह रहे शुद्ध शरीरी साधु सजाती। साधु कैसा हो? शुद्ध शरीरी, माने उसका जो तन है, उसका जो जीवन है, वो सात्विक पवित्र होना चाहिए। शुद्ध शरीरी साधु सजाती। तो सुखदेव जी महाराज ने हमारी स्थिति का विचार करते हुए ये कहा, बोले जब कोई बैठेगा इस विधि से, कोई बैठेगा भी सही, तो क्या होगा? रजोगुण के कारण मन में विक्षेप होगा, तमोगुण के कारण बुद्धि मूढ़ हो जाती है। आप देखो कभी कभी होता है ना, मन बिल्कुल नीरस हो जाता है, इच्छा ही नहीं होती भजन की, सेवा की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगी, मन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। क्या कारण है? आप देखोगे, आप आकलन करोगे भाई क्या है, कुछ गड़बड़ खराबी तो नहीं, सब ठीक है, आपको लगेगा कुछ भी तो बिगड़ा नहीं है, फिर क्या कारण है? कारण एक ही है भाई, भीतर कोई तमोगुण का संस्कार है जो उस समय प्रबल हो गया है, उसकी औषधि करिए। कभी कभी हो जाते हैं ना छोटे छोटे रोग, शरीर में खांसी हो गई, हृदय में दाह हो गया, छोटे छोटे रोग हो गए, तो भाई उसकी औषधि कर लो, थोड़ी देर के लिए हुआ है वो, फिर वैसे हो जाओगे आप। पर ये है क्या? बोली ये गुणजन्य जो संस्कार है, बोली उसका परिणाम है ये। रजोगुण बढ़ेगा तो विक्षेप बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ा तो मूढ़ता आ जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं प्याज लहसुन के विषय में, अब भाई कोई पाप पुण्य से संबंध नहीं है इसका, उसमें अपने औषधीय गुण भी हैं, लेकिन यदि हमको अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ाना है तो भाई तमोगुण बढ़ाने वाली वस्तु कैसे खा सकते हैं? अब बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं, ऐसा पाप होता है, ऐसा नर्क जाना पड़ता है। नहीं भाई, इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सीधी सी बात है भाई, प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुण है ना। अब जैसे वेद लक्षणा गौ माता का जो दूध है वो सात्विक आहार है, अब कोई यदि उसका आहार करेगा तो उसके भीतर स्वाभाविक सत्व गुण बढ़ेगा। अब आपको चटर पटर ही अच्छा लगता है तो राजसी आहार है वो, लोगे तो रजोगुण बढ़ेगा। कोई प्याज लहसुन की बात करे, अरे कभी कभी तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं, यहां से पैदा हुआ प्याज, यहां से पैदा हुआ लहसुन, हंसते हैं लोग सुन सुनकर। मुझे तो लगता है ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, उसका कोई पाप पुण्य से लेना देना नहीं है। जिसको अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ाना है उसको तदनुकूल आचार विचार करना चाहिए, उसका आहार तदनुकूल हो, बस इतनी सी बात है। यदि आपको भजन करना है तो आपको जीवन में सत्वगुण बढ़ाना है। अब सत्वगुण बढ़ाने के समय आप तमोगुण बढ़ाने वाली वस्तु खाओगे
तो ये तो ये हुआ ना कि भाई जाना आपको इधर है, चल आप इधर रहे हो, सीधी सी बात है ये। प्रत्येक गुण का अपना लक्षण है, प्रत्येक गुण का अपना प्रभाव है, आपको देखना है आपको क्या करना है। और यही सटीक बात है कि भाई ये प्याज लहसुन आदि जो वस्तु है ये तमोगुण प्रधान है, इनका आहार करने से तमोगुण और उससे संबंधित वृत्तियां बढ़ती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं। किसी को वो काम करना हो तो वो करे, हमको भजन करना है, हमको सीधे सच्चे मन से भजन करके मन को प्रभु में लगाना है, तो भाई तदनुकूल आचरण करना चाहिए ना। इसको पाप पुण्य से नहीं जोड़ना है, हमको आवश्यकता किस वस्तु की है, हमारी रुचि क्या है, हमारी प्राथमिकता क्या है, उसके अनुकूल हमको अपनी जीवन शैली व्यवस्थित करनी है, सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन इसमें बात में ये कहूंगा कि हमारा मन ही दो दो जगह बटा होता है, चाहिए तो हमें कुछ और, कर रहे हैं हम भजन, ऐसे नहीं चलेगा। बार बार आपसे कहता हूं ना, पहले एक बात का निश्चय करो कि ये स्वार्थ साधना है कि परमार्थ साधना है। परमार्थ साधना है, कोई प्रश्न नहीं है, सीधा मार्ग है, संतों ने जो मार्ग दिया उस पर चलो, क्या किंतु परंतु करना है। हाँ, जिसको साधना स्वार्थ है कहना परमार्थ है उसकी वो जाने भाई, उसके लिए हमको कुछ नहीं कहना है, उसके लिए हमको कुछ नहीं कहना है। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार करने के बाद ये बात कह दी, भाई हमने कंचन कांच का भेद जो है बता दिया, अब जिसकी जो रुचि हो वो ले ले। हाँ, पर यहां सुखदेव जी महाराज ने ये स्पष्ट कर दिया, रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़ मन आत्मनः। ऐसा हो जाएगा अरे जब भजन करने बैठोगे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करोगे, तो पूर्व के रजोगुण से संबंधित किसी संस्कार के कारण मन में विक्षेप हो जाएगा, तमोगुण से संबंधित संस्कार के कारण कभी कभी मन शुष्क हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, भजन करने की इच्छा नहीं होगी, साधन में प्रवृत्ति नहीं होगी। पर आगे क्या कह रहे हैं, बोले उस समय भी घबराना नहीं चाहिए, वो थोड़े समय के लिए आया है, वो आकर चला जाएगा। यच्छे धारणया धीरो हंतिया तत्कृतं मलम्। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उस समय मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा जो है, धारणा उक्त दोनों दोषों को मिटा देती है।